नमस्कार दोस्तों, मैं उगुण चौधरी, आप देख रहे हैं जीएच चौधरी चैनल। मेरे अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और आज हम बात करने वाले हैं एडसेंस के बारे में, जो कि मेरा यूट्यूब का फर्स्ट पेमेंट है। एडसेंस ने 21 तारीख को जो है वहाँ से सेंड कर दिया था, जो कि अभी तक की मेरी अर्निंग एडसेंस में कितनी ऐड हुई उसका मैं स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। आप देख पा रहे होंगे जो कि $115 के तकरीबन मेरा बना था, जो कि 3 से 4 महीने पुराना है। पहले कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, एक बार एडसेंस ऑन हो गया था मेरा, कुछ टाइम पहले मेरा मोनेटाइजेशन ऑन हो गया था, जो कि किसी कारणवश जो है बीच में डिसेबल हो गया था। और फिर से मैंने मेहनत की और उसके बाद में फिर से इनेबल हुआ था। तो पहले के जो $44 बने थे मेरा डिसेबल हो गया था मोनेटाइजेशन, और फिर से इनेबल हुआ। उसके बाद में जो $115 हुए तकरीबन पिछले महीने की 12 तारीख को, उसके बाद में जो है मेरा एडसेंस अकाउंट में जो अपडेट हो गया था $115, जो कि अभी 21 तारीख के बाद में यूट्यूब ने जो है मुझे अपना पेमेंट भेज दिया है। तो आप देख पा रहे होंगे मेरे को एक मेल मिला था यूट्यूब की तरफ से, जो कि अभी आपको डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा होगा, जो कि कुछ इस प्रकार से मेल था कि हमने आपका पेमेंट जो है वहाँ से सेंड कर दिया है। और अगर आपको 5 से 5 बिजनेस डे के अंदर आपको नहीं मिलता है तो आप बैंक से जाकर संपर्क कर सकते हो। मेरे को ये वाला मेल मिल गया था और आज हुई है 23 तारीख, यानी कि 2 दिन के बाद मेरे को बैंक से एक मैसेज आता है, जो कि बैंक अकाउंट से मेरा मोबाइल नंबर लिंक है, उस बैंक से मेरे को मैसेज आता है कि आपका जो है सिंगापुर से $US में आपका हम लोगों को पेमेंट प्राप्त हुआ, जो कि बेस्ट बैंक की शाखा है, वहाँ पर जाके संपर्क कर सकते हो ताकि आपका जो हम जल्द से जल्दी आपका पेमेंट जो होल्ड में रखा उसको जल्द से जल्दी आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर सके। तो इसमें क्या सीन रहता है बैंक में जाने के बाद मेरे को मालूम चल जाएगा, जो कि अगला वीडियो इसी बारे में बनाने वाला हूँ। आज का इस वीडियो में ये बताने वाला था कि किस प्रकार से जो है मेरा पेमेंट रिलीज हुआ और कितने दिनों के अंदर मेरे पास तकरीबन पहुँच गया। तो यानी कि 2 दिन के अंदर मेरे को बैंक से SMS आ गया कि आपका पेमेंट जो है हमारे इधर पहुंच गया और आपका जो $USD में आया $115 के तकरीबन आया, जो कि उसका स्क्रीनशॉट जो है आपको मैं अभी यहाँ पे डाल दूंगा ताकि आप सभी को मालूम चल जाए, जो कि विदिन 2 दिन के अंदर मेरे को ये वाला पेमेंट मिल गया। और मेरा जो स्विफ्ट कोड था वो सांचौर के बैंक का ना होकर मैंने जोधपुर के बैंक का डाला था, उसके बावजूद भी जो है जो कि रिसीव हो गया। तो कल बैंक में जाके पता करूंगा किस प्रकार से जो इसका प्रॉपर क्या प्रोसेस रहता है, आप सभी लोगों को इसका नेक्स्ट वीडियो बना के दिखा दूंगा कि बैंक में क्या प्रोसेस रहता है, किस प्रकार से जो उन लोगों के क्या क्या इंक्वायरीज रहती है वो पूछने वाला है। तो अभी प्रॉपर वीडियो मैं कल बनाऊंगा, जो कि मैं कल जाने वाला बैंक में, तो उसके बाद मैं आपको वीडियो बना के दिखा दूंगा किस प्रकार से जो मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम आई और $115 का मेरे को इंडियन रुपीज के अंदर कितना मिला था, मैं उसका भी आगे वाला वीडियो मैं डाल दूंगा। तो आई होप आपको ये वाला वीडियो पसंद आएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आता है लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको भी इनेबल कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाप इसी तरह से सपोर्ट बनाए रखें, जो कि हमारे तकरीबन 12,700 के तकरीबन हमारे सब्सक्राइबर हो गए, तो कि आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। इसी तरह से जो है प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। नेक्स्ट टारगेट हमारा जो है 50,000 सब्सक्राइबर है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वाले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह से हमारे साथ बना रहिए और देखते रहिए वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, मिलता हूँ इसी तरह से नए अगले वीडियो में।